But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द जी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एंटमैन द वास्प के बारे में, जो कि अपकमिंग इंडिया में 13 जुलाई को रिलीज हो रही है। और इस मूवी में काफी बड़ा स्पॉइलर है आप लोगों के लिए। वो स्पॉइलर है एक कैमियो, वो कैमियो एक एवेंजर का होगा। आपको एंटमैन द वास्प में एक कैमियो आएगा एवेंजर का। अब कन्फर्म ये नहीं है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि वो एवेंजर कौन होगा, उसका नाम नहीं पता अभी तक, कुछ भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये पता चला है कि एक कैमियो कन्फर्म है किसी भी एक एवेंजर का। अब मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में आधे से ज़्यादा सुपर हीरो थे, बट वो कौन सा एवेंजर था जो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में नहीं था और वो आएगा एंटमैन द वास्प मूवी में। मैं आपको बता दूं, शायद वो निक फ्यूरी भी हो सकता है या हॉकआई भी हो सकता है, जो कि एंटमैन द वास्प में कैमियो के तौर पर आए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सा एवेंजर था जो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में नहीं था, बट एंटमैन द वास्प में वो कैमियो के तौर पे आ सकता है। अब वो कैमियो कैसा हो सकता है, या तो हॉकआई एंटमैन द वास्प को बुलाए, या क्वांटम रिम से कोई निकल के आए, कुछ भी एनीथिंग, जो कि एंटमैन द वास्प को इन्फॉर्मेशन करे कि सारे एवेंजर मर चुके हैं, अब तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है इस कैमियो में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब वो बंदा है कौन, वो एवेंजर है कौन जो कि एंटमैन द वास्प में कैमियो के तौर पे आएगा और मूवी को एक नए मोड पर ले जाएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे, या तो उस पर एंटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।